प्रभात नित खाय। तो कहने का भाव, अभिमान की ये कथा है। अभिमान किया दक्ष ने, यज्ञ पूरा नहीं हुआ। यानी अभिमान करने से घर में परेशानी आती है, चिंता फिक्र अपने आप ही हम खरीद लेते हैं। शांत हो करके व्यवहार करते हैं तो कोई परेशानी नहीं। शिक्षा दी है भागवत के हर कथाओं में, शिक्षा है हर कथाओं में। अभिमान की बात आती है, अहंकार की बात आती है। देखिए, काम क्रोध लोभ मोह इतने बुरे नहीं हैं। काम न हो तो परिवार न चले। क्रोध भी जरूरत पर चाहिए, लोभ भी चाहिए, लेकिन अहंकार किसी भी हालत में नहीं चाहिए। इसलिए ये अहंकार की कथा आई है सती और भगवान शंकर की। आपने भजन सुना, इसका रहस्य सुना, और हम आगे बढ़ते हैं, भक्त ध्रुव की कथा सुनेंगे। और वही कथा आज की कथा की अंतिम कथा होगी। आप शांति से बैठें। भक्त ध्रुव की कथा हम बार बार सुनते हैं, फिर भी मन नहीं भरता, दिल नहीं भरता। आपको पता है, बच्चे को पता है, हमें पता है, सबको पता है, फिर भी सुनते हैं तो कभी मन नहीं भरता। बार बार सुनो, बार बार सुनो। इसी तरह गीता ग्रंथ है, आप बार बार पढ़ें, बार बार नए नए भाव आएंगे, बार बार नए नए भाव आएंगे। भगवान की कथा कभी पुरानी नहीं होती, भक्तों की कथा कभी पुरानी नहीं होती। एक फिल्म आपको अच्छी लगी, देखने गए, आज देखा, कल देखा, परसों देखा, फिर बोलेंगे आप तो धाप गए, कितना देखेंगे, बार बार क्या देखना, वही कहानी, वही क्या देखना बार बार। लेकिन भगवान की कथा कभी भी पुरानी नहीं होती। इसलिए उत्तानुपाद सुंदर नाम है, सुनीति और सुरुचि। जो नीति में चले सुनीति, जो मनमानी चले सुरुचि। आज कल की अवस्था भी सुखदेव जी ने रख दिया, सुरुचि, मनमानी चले। लेकिन परेशानी तो आएगी आएगी मनमानी चलने से, अपनी रुचि से ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली है। मर्यादा के साथ रहेंगे तो जिंदगी भर टिकेंगे, रुचि के अनुसार चलेंगे तो दो चार दिन में बदनाम हो जाएगी, और क्या। इसलिए सुनीति, उनके बेटे का नाम है ध्रुव। सुरुचि, मनमानी चलने वाली, उनके बेटे का नाम है उत्तम। नाम भी उत्तम रख दिया लेकिन काम उत्तम नहीं। ध्रुव जी का जैसा नाम वैसा काम। सुनीति में चलने वाले जैसा नाम वैसा काम करेंगे, अपनी रुचि से चलने वाले ज़्यादा दिन टिकने वाले नहीं होते। इसलिए सुनीति माता अपने बेटे को भगवान बनते देखना चाहती हैं, अपने बेटे को भगवान बनते देखना चाहती हैं। बच्चे तो सभी पैदा करते हैं लेकिन अपने बेटे को भगवान बनते देखना ये बड़ी बात है। तो हुआ क्या, एक दिन खेलते हुए ध्रुव अपनी सौतेली माँ के गोदी में पहुँच गए। सौतेली माँ के गोदी में जैसे ही पहुँचे, वैसे ही सुरुचि ने क्या किया कि ये मेरी गोदी में आ रहा है, अभी थोड़ी देर मेरे में खेलेगा, फिर पिताजी के गोदी में जाएगा। वहाँ पहुँच गए, जैसे ही पिताजी के गोदी में पहुँचे तो हाथ से पकड़कर परे पटक दिया और कह दिया, तुम अपने पिता की गोदी में बैठना चाहते हो तो जंगल में जाओ, तपस्या करो, योग्यता प्राप्त करो, फिर बैठना। ध्रुव जी को समझ में नहीं आई, एक तो हाथ से पकड़कर पटक दिया, फिर बोली जंगल में जाओ, तपस्या करो, योग्यता प्राप्त करो, फिर मेरे कोख से जन्म लो, इतना लंबा प्रोसेस।
इतना लंबा प्रोसेस बता दिया, मैं कैसे करूं, कर पाऊंगा। रोने लगे। रोते हुए अपने माँ सुनीति के गोदी में आए और पूछा, रोने का कारण पूछा सुनीति माता ने। अब बता दिया, क्या बताया, मेरी मौसी ने तो ऐसा कहा कि जंगल में जाओ, तपस्या करो, योग्यता प्राप्त करो, फिर घर में आओ, फिर मेरे कोख से जन्म लो, फिर पिताजी के गोदी में बैठना। इतना लंबा प्रोसेस। अब देखिए, अपने बेटे को भगवान बनते देखना हो तो माता का भी कुछ कर्तव्य बनता है। अपने हृदय को कठोर बनाने की जरूरत पड़ती है, सभी टाइम में नहीं, कभी कभी। कोई महान काम करना हो तो कठोर बनना ही पड़ेगा, वैसे नहीं होता। माता सुनीति ने कहा, बेटा ये तो बहुत अच्छी बात कही है, तुम रोते क्यों? माता सुनीति ने देखा, यही समय है, अपने बेटे को भगवान बनाने का समय यही है, और इस समय मैं चुक गई, मैं अपने बेटे को भगवान बनते नहीं देख पाऊंगी। ये मौका है, मुझे नहीं चुकना है, इसी पर जोर देना है। तो सुनीति माता ने कहा, सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद्दुर्भगाया उदरे गृहीत। इतना सुंदर शब्द कहा कि सत्यम सुरुच्या अभिहितम, तुम्हारी सौतेली माँ ने जो कहा 100% ठीक कहा, मैं भी इसी को सपोर्ट करती हूँ, इसी के लिए मैं भी कह रही हूँ, जो कहा वो ठीक कहा। ठीक तो नहीं कहा, लेकिन शर्त क्या था, अपने बेटे को भगवान बनते देखना है। मर करके जाने वाले तो दुनिया, सारी दुनिया मर के जाती है, वहाँ कोई बहादुरी नहीं। अपने बेटे को भगवान बनते देखना है, शर्त यह है। सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में, तुम्हारी मौसी ने 100% ठीक कहा, 100% ठीक कहा, मैं भी यही कहना चाहती हूँ, पहले तुम योग्यता प्राप्त करो, पहले जंगल में जाओ, भगवान की तपस्या करो, फिर परमात्मा की गोदी में बैठो। ये बार बार मरने वाले पिता के गोदी में तुम्हें बैठने से कोई लाभ नहीं। आज तक गोदी में बैठने वाले हजारों लाखों करोड़ों कहाँ गए पता ही नहीं। तुम छोटी मोटी पिताजी की गोदी को छोड़ो और परमात्मा की गोदी में बैठो, इसी चीज को मैं सपोर्ट कर रही हूँ। ध्रुव जी और रोने लगे, वो तो मेरी मौसी थी, वो तो मेरी सौतेली माँ थी, घर से भगाना चाहती थी, मैं जंगल में जाऊँगा तो भालू चीते शेर मुझे खा जाएंगे और उसका बेटा राजा होगा, ये सोच करके बोल रही थी, और तुम भी उसी की सपोर्ट कर रही हो, इसका मतलब मैं इस घर में ज़्यादा हुआ हूँ, अब मैं इस घर में रहने का लायक नहीं हूँ, क्या मैं जाऊँ? सुनीति माता की आंखों में आंसू आए और कहा, तुम जरूर जाओ, क्योंकि तुम क्षत्रिय के बेटे हो, तुम राजा के बेटे हो, क्षत्रिय के बेटे हो, और तुम्हारे मन में कुछ करने की तमन्ना होनी चाहिए, और मैं फिर कहती हूँ कि तुम जंगल में जाओ, तपस्या करो और परमपिता के गोदी में बैठो। अब ध्रुव जी को मन में लगा, अब मैं इस घर में बैठने का लायक नहीं हूँ, क्योंकि पिताजी भी मुझे गोदी से फेंक रहे हैं, सौतेली माँ भी मुझे परे पटक रही है, और जन्म देने वाली माँ भी मुझे पटकना चाहती है, अब मैं इस घर में रहने का लायक नहीं हूँ। ऐसा मन में उन्होंने सोचा, और जैसे ही मन में सोचा, जाते जाते माता ने फिर बुलाया, मेरे पास में तुम आओ। क्यों इस भाव से जा रहे हो, भगवान तुम्हें नहीं मिलेंगे? बोला किस भाव से?
पिताजी के प्रति नफरत, मेरे प्रति नफरत, अपनी मौसी के प्रति नफरत, तीन नफरत लेकर जा रहे हो, तुम्हें कोई सिद्धि नहीं मिलेगी, कोई भगवान नहीं मिलेगा। इस नफरत को दिल से निकालो। बोला कैसे निकलेगा? बोला आओ यहाँ, मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले अपने मौसी को प्रणाम करो, फिर वो आशीर्वाद देगी, दिल से निकल जाएगी। मौसी को प्रणाम किया, हाँ जंगल जा रहा हूँ, अच्छा हुआ तुम्हारा काम सिद्ध हो, जंगल में चीते भालू खा जाए, मेरा बेटा राजा हो, तुम्हारा काम सिद्ध होगा, आशीर्वाद। आशीर्वाद आशीर्वाद ही है, चाहे नफरत से दें चाहे खुशी से दें, आशीर्वाद आशीर्वाद ही है। आप जान करके आग को छुएं, हाथ जला देगी। अनजान में आग को हाथ लगाओ, हाथ जल जाएगा। जान करके हाथ लगाओ, हाथ जल जाएगा। दिल से निकली, आशीर्वाद लिया और पिताजी से प्रणाम किया, पिताजी ने भी आशीर्वाद दिया, दिल से निकल गए। और माता को भी प्रणाम किया, क्योंकि मौसी की बात को सपोर्ट किया है, तो ये माँ भी मेरे दिल से निकल जाए। प्रणाम किया, विदा मांगी, आशीर्वाद लिया। माता सुनीति ने दिल से आशीर्वाद दिया, तुम्हारा कार्य बहुत जल्दी सफल हो, आशीर्वाद दिया। कथा में आप किसी से झगड़ा करके आए, बैठे कथा में हैं, लेकिन मन, उसने मेरे को आज ही ऐसा क्यों कहा, निकलते वक्त ही क्यों कहा, बैठे कथा में ध्यान वहीं चला जाता है, मेरे को चलते चलते ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों बोला, ध्यान वहीं होता है। सही बोल रहा हूँ ना? हाँ। कहने का भाव, किसी को दिल से निकालना हो, आप प्रणाम कर देना, चरण छू लेना, दिल से निकल जाएगा। नहीं तो वही सोच रहेगी, आला माला हाथ में है, तपस्या कर रहे हैं, माला भी घूम रही है, मन, मेरे पिताजी ने मौसी के हाथ से नहीं बचाया, मौसी मुझे पकड़ के पटक रही थी, पिताजी देख रहे थे, माला घूम रही है। माता सुनीति ने कुछ नहीं बोला, वही का वही ध्यान में आएगा। तो तीनों ही दिल से निकले, आशीर्वाद लिया। जाते जाते माता सुनीति ने कह दिया, बेटा तुम दुखी मत होना, और रास्ते में संत सद्गुरु मिलेंगे, दीक्षा भी देंगे, शिक्षा भी देंगे। ये उपदेश काम कर गया। जैसे ही आगे बढ़े, आगे बढ़ते ही रास्ते में नारद जी मिल गए, बेटा कहाँ जा रहे हो? भगवान को प्राप्त करने। किसने कहा? पिताजी ने कहा, माताजी ने कहा, और मौसी ने भी कहा। अच्छा, तो इतने छोटे 5 साल के तो तुम हो, जंगल में कहाँ जाओगे? बोला मैं तो जाऊँगा, मैं क्षत्रिय बालक हूँ, मैंने इरादा कर दिया, अब मैं बदलूँगा। नारद जी कहने लगे, वापस चले जाओ, जंगल में भगवान नहीं होते, जंगल में भगवान नहीं बैठते, तुम वापस चले जाओ। बोले नहीं, मेरी माता ने कहा है जंगल में भगवान होते हैं, मैं जरूर तपस्या करूँगा और मैं इरादा बदलने वाला नहीं हूँ। केले का फल बाघ की कार खाना, स्त्री के सिर में तिल सिदुर के निशाने, हाथी के दांत मर्द की बात व्यवहार, ये कभी बदलने वाली नहीं होती। केले का फल एक ही बार लगता है, दोबारा नहीं लगता। बाघ की कारखाना, बाघ भी अपने से मारकर शिकार खा लेता है, दूसरे का मारा हुआ नहीं खाता। और जब क्षत्रिय बालक भी एक बार इरादा कर लेता है तो कभी नहीं बदलता। मेरी माँ ने कहा है रास्ते में संत सद्गुरु मिलेंगे और मुझे शिक्षा भी देंगे, दीक्षा भी देंगे, लेकिन आप घर जाओ बोल रहे हो। मेरी माँ ने ये थोड़ी कहा था रास्ते में गुरु मिलेंगे और घर जाओ करेंगे। आप मेरे गुरु नहीं लग रहे हो,
नारद जी इतने खुश हुए, ऐसे इरादे वाले बंदे को अगर मैं शिष्य बनाता हूँ, ऐसे दृढ़ विश्वास वाले व्यक्ति को अगर मैं शिष्य बनाता हूँ तो मेरा भी तो नाम होगा। बेटा अब मैं ये नहीं कहूँगा घर लौटो, अब मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, साथ में दीक्षा भी दूंगा। पहले शिक्षा बाद में दीक्षा, पहले शिक्षा मैं ये दूंगा, तुम यहाँ से वृंदावन चले जाओगे, यमुना के किनारे में बैठोगे, वहाँ पर सुंदर पर्वत के किनारे में गुफा जैसी जगह है, वहाँ पर सुंदर एक पत्थर है, उसके ऊपर बैठोगे, फिर एक पैर से खड़े होगे, फिर भगवान का जाप करोगे, पहले वृक्ष लताओं के पत्तों को खाओगे, फिर फल फूल खाओगे, फिर यमुना का जल पियोगे, फिर जल भी छुड़ जाएगा, फल भी छुड़ जाएगा, सूखे पत्ते भी छुड़ जाएंगे, फिर तुम मात्र हवा यानी सांस लोगे, उसमें भी भगवान का नाम जपोगे, कोई भोजन की चिंता नहीं रहेगी। भोजन की चिंता खाने से ही चिंता होती है, भोजन को छोड़ते जाने से भोजन की चिंता नहीं होती, इसलिए भोजन छोड़ने की कोई चिंता नहीं, छूट जाएगा। छोड़ने से चिंता होती है, छूट जाने से कोई चिंता नहीं होती, इसलिए आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ये मैंने आपको शिक्षा दी। अब मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, अब मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, वही मंत्र का जाप करोगे, और वह मंत्र होगा 12 अक्षर का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये द्वादशाक्षर मंत्र की दीक्षा मैं दूंगा। श्री राधे की रट ले रटना, श्री कृष्ण तुझको मिल जाएंगे, राधे श्याम के सुमिरन से कान तेरे बन जाएंगे। महामति प्राणनाथ चतुर्थ शताब्दी महोत्सव के पावन प्रसंग में श्रवण कीजिए परम पूज्य संत श्री तिलक चैतन्य जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा, प्रतिदिन रात्रि 9:20 पर सिर्फ जय पारस चैनल पर।